वेलकम टू माई चैनल। ये बार जब मैं ये दुपट्टे के साथ लगा रही थी टाइपिंग, तो मुझे याद आया कि आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। सीक्रेट टिप्स जो है मेरी कि आप अगर बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप लगाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी तो बहुत सफाई आएगी। फैंसी दुपट्टे उस तरह से बहुत प्यारे लगते हैं, जिस तरह बड़े बड़े टेलर लगाते हैं उसी तरह से इसमें सफाई आती है। तो ये देखिए पाइपिंग हमने लगाई हुई है और इसको आयरन भी कर लिया हमने अच्छी तरह से, इतना सा फोल्ड करें। और चाहे अगर आपकी मर्ज़ी है चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं नीचे वाली साइड से, और चाहे तो। और ये देखिए इसको यहाँ से उल्टी साइड से टांग का आपने नहीं लगाना है, इसको टांग का आपने सीधी साइड से लगाना है। इस तरह आयरन कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सीधी साइड से सिलाई लगानी है। इस तरह से जो सिलाई लगाते हैं वो व्यूवर्स बहुत बहुत खूबसूरत आती है। देख लीजिएगा आप इसमें कितनी सफाई आती है, बहुत नफासत के साथ ये लग जाती है इस तरह से पाइपिंग। माहिर टेलर जो है वो इसी तरह से पाइपिंग लगाते हैं, क्योंकि अगर हम उल्टी साइड से पाइपिंग लगाते हैं तो हमारे ये जो फैंसी दुपट्टे होते हैं इनमें कहीं ना कहीं चुनट आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो कहीं भी कोई चुनट भी नहीं आएगी और टाइम की बचत हो जाएगी, बार बार आपको खोलना नहीं पड़ेगा। कोई मुश्किल तरीका नहीं है, ये बहुत आसान है। पहले आप इसको आयरन कर लें और उसके बाद ऊपर ये इस तरह से सिलाई लगा लें। और अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से, क्योंकि ये पतला दुपट्टा होता है तो उल्टी तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो उस टाइम में उस तरह से उसमें सफाई नहीं आती और बहुत सारी चुनट आ जाती है, तो इसलिए इसको सीधी साइड से लगाना ज़रूरी होता है। बस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, छोटी बच्चियों के फ्रॉक के न्यू डिज़ाइन और बहुत सारे न्यू आइडियाज़। और बिगनर्स के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत इजी टिप्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी ये लग चुकी है, ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये व्यूअर्स छोटी सी टिप्स थी एक जुबान का आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जो बिगनर्स अक्सर उनको नहीं पता होता कि परफेक्ट तरीके से किस तरह से लगानी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।